ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡਾ 8 ਕ ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰਿਦਾ ਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਦਾ ਕੋ ਆਜ ਤੇਰੇ ਜੋੜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਤੂੰ ਨੱਚਦੀ ਤੋ ਗਾਡ ਹੇ ਸ਼ੀ ਕਮਸ ਵੁਮਨ ਦੈਟ ਆ ਲਵ गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारी हमने एक दिन का बीच में दो दिन का एक्चुअली हमने बीच में ब्रेक लिया था और अभी मैं बाहर आई हूँ और आई वांट टू शो यू द वेदर। सो लुक अराउंड यार, मौसम इतना अच्छा हो रखा है। पता नहीं यार आप लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बट मुझे यहाँ पे तो लग रहा है कि माहौल बन गया एकदम से बारिश वाला। काले घने बादल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मॉर्निंग चढ़ी है यार आज तो। हाँ, मैं बता रही थी तेरा वी टेकन अ 2 डे ब्रेक। सो 2 डे कहाँ, कल ही तो नहीं डाला, आज भी तो नहीं डालेंगे, आज तो डालेंगे। अच्छा देखते हैं। हाँ सो क्या मौसम ऊपर ये आईफोन का ये फायदा हो गया यार, पहले वाले में ढूंढते रहता था बादल कहीं आएंगे नहीं आएंगे, इसमें बहुत अच्छा जाता है यार। तो कोई भी अगर ब्लॉगिंग कर रहा है और कोई भी कर रहा है, अगर आप आईफोन ले सकते हो तो आईफोन लो, इट इज वेरी नाइस। क्या धाकड़ मौसम करा दिया दादू सेठी। आया था बाद में, आया था दिन बाद हम जब वहीं थे। हाँ हरिद्वार में उससे पहले आ गया था। क्या 2 दिन बाद बरसात आएगी और इसके बाद सर्दी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। सो गाइस वेलकम टू द विंटर सीजन। सर टी शर्ट अच्छी लग रही है आपकी। प्रेजेंट मिल रहा था आपको, आप वो इतने प्यारे हैं। हाय गाइस, देखो क्या हो रहा है, इतने सारे बाल। हम पंजाबी मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखोगी? अच्छा पंजाबी कौन सी है, मूवी का नाम बता दो। पंजाबी हौसला रख। पंजाबी हम लोगों की मूवी पंजाबी 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 हौसला रख। आ देखो जी टिकटां होंदियां पईआं ने बुक ते हुण असीं जाण लगे आ, साडा 8 कु बजे दा शो हैगा ते बहुत दिनां बाद असीं इह करन लगे आ ते बहुत बहुत सानूं खुशी हो रही है। ते फिर अज हुण पंजाबी बोलनी है सिर्फ, ते अज बस हुण पंजाबी च गल करांगे। ठीक है जी, बिल्कुल ओके जी, पंजाबी च गल करांगे। Okay. शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग तैयार हो रहे हैं और आज बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कितने 2 साल 2 साल के बाद हम मूवी जाएंगे। और मुझे याद है कि सिमर का फेवरेट मतलब टाइम पास पूछे ना कि आपको क्या सबसे ज्यादा मतलब अगर डेट पे अगर मुझे मैंने जाना है मुझे क्या करना पसंद है, तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मूवी देखना और वो भी जाके मतलब हॉल में जाके। हाँ तो तो वी जस्ट लव डूइंग मतलब शी लव्स डूइंग इट, तो एंड राहुल डजंट हैव एनी ऑप्शन, ही हैज टू लव इट। तो हमने सारी मूवीज देखी होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे जब यू नो हम फ्लाइट्स पे होते थे और हमें रेस्ट मिलता था तो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में ऐसी कोई मूवी नहीं होती थी जो हमने नहीं देखी, और सारी हॉल में यार, मतलब कोई सी भी मूवी आए वो हॉल में ही जा। तू देख ले, तू बोलते तू मुझे बोलती है कहां लेके जाता हूं मैं तेरे को, देख ले तूने कोई मूवी नहीं छोड़ी हुई है। तो आज बहुत एक्साइटेड है, बट सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की है कि रिदा की ये पहली मूवी है। सो इट विल बी रिदास फर्स्ट मूवी इन द मूवी थिएटर। सो वी आर ऑल लिट अप, अब बस तैयार हो रहे हैं फटाफट। एंड बैठेगी कि नहीं? बैठेगी बैठेगी यार। शुभ शुभ। राहुल डजंट लाइक वाचिंग मूवीज सो ही कैन स्टेप आउट एंड टेक हर। सो यार हम लोग पहुंच गए हैं कहां, द वेव मॉल। द वेव मॉल तो बस अब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। Are you guys excited? Rida पीछे बैठो, दादू तो आई नहीं रहे। फर्स्ट टाइम जा रही है ना? Rida फर्स्ट टाइम जा रही है। Rida फर्स्ट टाइम जा रही है। Why you sad? Great. ऊपर मिल जाएगी। Why are you scared? आपके साथ सारे लोग। अपना बैग में ले जाना प्लीज। Actually Rida wanted to get her bag but then I told her कि वो वहाँ पे चेक करते हैं। मैंने कहा आज तुम्हें सब दिखा दूंगी, तो इसलिए उसे थोड़ा सा हो रहा है कि मम्मी तो बैग लेके आई है, पता नहीं मम्मा को क्या कहेंगे वो लोग। सो रिदा अभी देखेंगे ठीक है, यू डोंट गेट स्कैर्ड ओके।
मैं रिदा से तो मिल के ही जाऊंगा। दीदी मिली है रिदा को आज, देखो। सो हमें मिली है मिनी, मिनी। और मिनी ने रिदा को पहचान लिया, हर बार यही होता है, रिदा रिदा पहचानी जाती है। देखो दिस इज अ स्मॉल वर्ल्ड है, जो लोग बोलते हैं मिलने के लिए, सो वी कैन मीट एनीवेयर। तो मैं पापा से बड़ी हूं। नहीं नहीं ऊपर हो ना तुम। सो रुचि का फेवरेट सेक्शन क्या है ये? आई वांट दिस मम्मा, आई वांट दिस। पता नहीं लगा आल्सो हैज कम आउट, मतलब ऐसे बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद मॉल में। तो हां यस दिस सो क्यूट बेटा, पर आपकी पेन से अभी शुरू ही नहीं हुई है। आप कहते हो वाली पिता थोड़ी सी शरारती है, सारे बच्चे सामान उठा उठा के घूम रहे हैं सब। हाँ सारे बच्चे इसकी एज के, तो वो उनके मम्मी पापा कहते होंगे, ये हम कहते हैं पास है ही नहीं। वो जो सेल्स मैन का बात है, मैंने कहा भाई भैया टूट जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, सिर्फ आया सारे बच्चे शरारती। ठीक है Rida has chosen this. She wants this. Rida, but आप पेन तो लिखते नहीं हो ना पेन से अभी? मैं कोई शॉपिंग करे ना करे लड़की शुरू हो गई, कह रही मेरे लिए ट्रॉली लेके आओ। ट्रॉली कहाँ है? Where is the trolley, mama? ये बहुत खुला है। चप्पल तो एक पहनती नहीं हो रिदा तुम पैर में। खुला नहीं। तो यार बस पहुंच गए हैं मूवी थिएटर में, रिदा के लिए शॉपिंग हो गई है, मम्मा के लिए दो सूट लिए कुर्ते, और आ गए हैं हम हौसला रख देखने। सो बहुत टाइम बाद सर, रिची इज ऑल एक्साइटेड एंड शी इज आस्किंग सारे क्वेश्चंस। पॉपकॉर्न चाहिए, ये चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, चलो चलो। पीछे बड़ी सीट्स होती हैं, वो जब आप बड़े हो जाओगे ना। ये देखो भाई, नहीं आई होल्ड इट फॉर यू, तो ठीक बैठोगे, यू विल गेट इट। मूवी अच्छी है यार। हाँ इतने दिनों बाद भी है और भी अच्छी है। nice. तो वो एक एक्साइटमेंट अलग सी बनी हुई है, और रिदा का फर्स्ट टाइम है तो शी इज लाइकिंग इट। हाँ जी कैसी लग रही है मूवी? हाँ कैसे लग रही है पापा? कैसे लग रही है मूवी? गुड। यू कैन गेट लॉन्ग एंड थिक हेयर। क्या कह रहे हो रे? सोडा रख के तो वहीं पीते हैं। And the best part is, you can treat your hair extensions like your natural hair. There is no special hair required. Bahut excited hai bhai. Or less dense hair. Don't feel let down. Aeroplane hai kya? Piche. See, kaise laga rahe ho? Ye aeroplane abhi udega kya? Munde baith ke jod ke akhiyan de se ke tu nachdi. Tu nachdi. मूवी हुई खत्म। कैसी लगी भाई? मूवी बहुत अच्छी थी। हाँ रियली नाइस। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम है ना, लॉन्ग टाइम है, तो थोड़ी सी रोके के आई हूं, हल्की फुल्की सी। तेरा तो काम है रोना। मेरा बहुत रोना, जल्दी जल्दी नहीं आ भाई के काम हुआ, वेरी इमोशनल। हां इमोशनल क्या बोलते हैं उसको? इमोशनल ही बोलते हैं। चलो मैं इंटरव्यू ले लेते हैं। मैम आप मूवी देखा है, कैसे लगा आपको दिलजीत दोसांझ की पहली मूवी इतने टाइम बाद? अच्छा लगे सर आपको? कैसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद पिक्चर देखी है, बढ़िया पिक्चर। ये देखो यार आज जैकेट लेके आए हैं, आज रिदा की शॉपिंग हुई है, रिदा ने ये जैकेट खरीदी है बिकॉज रिदा को कहाँ जाना है, हिल्स पे जाना है, और स्नो
शिमला जाएंगे हम। तो रिदा एस्किमो बन चुकी है पूरी और तैयार हो गई है, देखो लड़की हमारी। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और यू नो हम लोगों को आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मूवी देखने गए थे और यू नो सिमर को बहुत ही पसंद है तो शी वॉज रियली हैप्पी। रिदा का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो आई होप आपको देख के भी रिदा के क्वेश्चन देख के अच्छा लगा होगा कि वो कितना एक्सप्लोर कर रही थी आज। थोड़ी सी शॉपिंग करी, थोड़ी सी मस्ती करी एंड इट वॉज अ गुड डे फॉर अस। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, यू वॉच आर वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। Good night. I fall behind every time that you're around. And it's a lie when I see